हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल एक्सेल मुकुल में। मेरा नाम है मुकुल जैन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग एक प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि उसका सॉल्यूशन क्या है। तो दोस्तों, हमारे पास ये कुछ टाइम दिए गए हुए हैं जो कि मिनट्स में हैं, जैसे 145 मिनट, 140 मिनट, 130 मिनट। तो दोस्तों, हमें क्या करना है, इसको HH और MM फॉर्म में लिखना है, मतलब आवर्स और मिनट के फॉर्म में लिखना है। तो ये कैसे करेंगे, तो आइए देखते हैं। दोस्तों, जैसे हमें पता है कि 60 मिनट होते हैं एक आवर्स में, एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो अगर हम लोग इसको 60 से डिवाइड कर दें तो हम लोग का मे बी पॉसिबल ये HMM फॉर्म में आ जाए। तो एक बार करके देखते हैं इसको 60 से डिवाइड। तो हमने टाइप किया इक्वल का साइन, A2 सेलेक्ट कर लिया, A2 सेल जिसमें वो मिनट्स दिए गए हुए हैं, और इसको डिवाइड बाई 60 यहाँ पर कर दिया और एंटर का प्रेस कर दिया और उसको यहाँ पे ड्रैग कर दिया। तो दोस्तों, जिस प्रॉब्लम की मैं बात कर रहा था वो अब आ चुकी है कि यहाँ पे दिखा रहा है 2 आवर्स 42 मिनट्स, और होना क्या चाहिए, जो सही टाइम है वो मैंने बगल में लिख रखा है, आप इसको देख सकते हो, 2 आवर्स 25 मिनट्स होना चाहिए, और यहाँ पर दिखा रहा है 2 आवर्स 42 मिनट्स। इसी तरीके से यहाँ पे दिखा रहा है 2 आवर्स 33 मिनट्स, जो कि होना चाहिए 2 आवर्स 20 मिनट्स। तो दोस्तों, ये प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे और ये हमारा सही नहीं आ रहा है, तो ये हमारा गलत है, तो इसको मैं रेड से हाईलाइट कर देता हूँ। तो अब दोस्तों, अब इसमें करेंगे क्या, इसको कैसे सही करेंगे, तो देखते हैं आगे। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग केवल यहाँ पे आवर्स निकाल लेंगे, कितने आवर्स हैं इस मिनट में। तो आवर्स निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है क्वेश्चन का, तो हम लोग फंक्शन यूज़ करेंगे क्वेश्चन। तो सबसे पहले यहाँ पे दबाएंगे इक्वल का साइन और लिखेंगे क्वेश्चन। उसके बाद ये दो चीज़ें पूछेगा, जब आप आर्गुमेंट में देखोगे तो दो पैरामीटर हमारे पास आ रहे हैं, एक न्यूमरेटर एक डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर में आपको क्या करना है, वो मिनट लिख देना है, जितने मिनट है हमारे पास, जैसे 145 मिनट है, तो हमने A2 लिख दिया यहाँ पर, और कॉमन आके डिनोमिनेटर में आपको लिख देना है 60। तो ये क्या करेगा, जो पॉइंट वाला, जो हमारा दशमलव के बाद वाला जो अंक होंगे उसको ये हटा देगा, और जो इंटीजर पार्ट होगा जो दशमलव के पहले यूज़ होगा वो आपका यहाँ पे ले आएगा। तो एक बार एंटर करते हैं इसको ब्रैकेट ऑफ करने के बाद। तो देखिए, यहाँ पे आवर्स आ गए केवल, इसलिए हमारे पास आवर्स आने चाहिए। तो 145 में 2 आवर्स होंगे, 140 में 2 आवर्स होंगे, 78 में 1 आवर होगा, इस तरीके से हमारे पास सारे आवर आ गए। अब आते हैं मिनट की तरफ, अब मिनट कैसे निकालें ये सवाल उठता है। तो मिनट निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है मॉड का, आप मॉड का फॉर्मूला यूज़ करके यहाँ पे क्या कर सकते हो, मिनट निकाल सकते हो। मॉड क्या करेगा, आपका जो रिमाइंडर वैल्यू होगी वो आपका रिटर्न कर देगा। तो लिखते हैं मॉड का फॉर्मूला। अब यहाँ पे दे रहा है नंबर और डिवाइज़र। तो नंबर हमारे पास क्या है, नंबर हमारे पास वही मिनट, और डिवाइज़र जो है जिससे हमें भाग देना है वो है 60, और यहाँ पे ब्रैकेट ऑफ करने के बाद एंटर। तो ये देखिए 25 आ गया, बिल्कुल सही आ रहा है, 25 मिनट चाहिए था, 25 मिनट आ गया, और इसको हमने यहाँ पे ड्रैग कर दिया। अब बात आती है कि हमारे पास आवर्स और मिनट निकल आया, अब हमें इस फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, जैसा ये फॉर्म यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इस फॉर्म में लिखने के लिए हम इसको क्या करेंगे, कॉनकैटिनेट कर देंगे। तो कॉनकैटिनेट ऑपरेटर जो है वो एंड का साइन होता है, तो उससे हम लोग कर लेते हैं। इक्वल टू C2 एंड का साइन, उसके बाद कॉलन जो कि हमें चाहिए, उसके बाद फिर एंड का साइन, उसके बाद D2। तो कॉलन में आपको डबल इनवर्टेड कॉमा दिख रहा होगा, क्योंकि जब भी टेस्ट लिखते हैं तो डबल कॉमा में लिखते हैं, और फिर उसके बाद आप कर दीजिएगा एंटर। तो ये आपका अभी इस फॉर्म में आया नहीं है, अभी कुछ कुछ सही हो गया है लेकिन पूरी तरीके से नहीं सही है, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है 02:25 और ये आ रहा है केवल 2:25। अब क्या करेंगे इसके आगे, अब दोस्तों इसी फॉर्मूले में हम लोग यूज़ करेंगे टेस्ट का फॉर्मूला। तो इसके पहले टेस्ट का फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। टेस्ट का फॉर्मूला क्या करेगा, जिस फॉर्म में हमें चाहिए हो उस फॉर्म में ये ले आएगा। तो टेस्ट वैल्यू हो गई हमारे C2, कॉमा लगाया, किस फॉर्मेट में चाहिए, हमें चाहिए इस फॉर्मेट में, 00 फॉर्मेट में।
ब्रैकेट ऑफ, ये फॉर्मूला पूरा हो गया। अब यहाँ पे भी क्या करेंगे, यहाँ पे टेस्ट का फॉर्मूला, और ये भी हमें किस फॉर्म में चाहिए, हमें 0 0 फॉर्म में चाहिए। अब ये फॉर्मूला हो गया कंप्लीट, अब कर देंगे एंटर। तो ये देखिए दोस्तों, इस फॉर्म में आपका ये आ गया। तो ये दोस्तों हमने सॉल्व किया कि कैसे हम लोग केवल मिनट्स को HH ऑफ MM फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये है आपका फाइनल फॉर्मूला, आप इसको देख सकते हो। ये फॉर्मूला मैंने बगल में लगाया हुआ है आपका, ये देखिए बगल में ये मैंने पूरा फॉर्मूला लगा दिया है एक साथ। तो इसको मैंने डिवाइड करके यहाँ पे लगाया है जिससे आपको समझ में आए। तो ये फॉर्मूला था आपका, इस तरीके से हम लोग HH ऑफ MM फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए इस तरीके की वीडियो देखने के लिए। अगर आप YouTube में हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरीके की वीडियो देखने के लिए। और आप हमें WhatsApp ग्रुप, Instagram, LinkedIn पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। और तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, गुड बाय दोस्तों।